नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले जो अमृत है ये ले लें सर, अभी क्योंकि ये ज़रूरी है। जान है तो जहान है, सुरक्षा खुद की भी दूसरों को भी हमारे अपने हाथ है। दर्शकों, जिस तरह से बात करना चाहेंगे कि कोविड-19 महामारी वेव टू, क्या तैयारियाँ की गई थी सरकार की ओर से और क्या तैयारियां की गई थी प्रशासन की ओर से, उसका खुलेआम खुलासा हर दिन अपनी जनता के समक्ष लाते हैं और नींद से जगाने की कोशिश भी करते हैं प्रशासन को और सरकार को। आंकड़ा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी दूसरी वेव ने कोहराम मचा कर रखा हुआ है। कल एक तीसरा वायरस जो कि ब्लैक फंगस, उसने भी जम्मू में दस्तक दे दी। क्या तैयारियाँ की गई थी इसकी, एक टीम का गठन भी किया गया, गठन भी होता है टीम्स का, बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, पर जो रिजल्ट निकलता है वो ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल शून्य के दौर पर। आप देख रहे हैं लगातार हम आपको बार बार घर बैठे समय समय पर जानकारी भी देते रहते हैं कि किस तरह से बार बार झिझोड़ रहे हैं हम प्रशासन और सरकार को कि बचा लीजिए हमारी जनता को। 6.6 करोड़ डोजेज यानी कि बाहर के देशों में भेजी गई। घर में नहीं दाने तो अम्मा चली भुनाने। अगर वही डोजेज हमारे देश में होती तो मुंबई का या दिल्ली का या क्या जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात होते। इन्हीं पर आज चर्चा करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल पैंथर पार्टी के हर्ष देव जी, जो हमेशा घर बैठे कर ही चाहे आवाज़ ज़रूर अपनी ऊंची करते हैं अपनी जनता के लिए। हर्ष सर, फिर से आपका दैनिक शिव टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर, आप भी कहते ही हैं, आप भी बोल ही सकते हैं, पर जो इस समय प्रावधान होने चाहिए, जो फैसिलिटी जनता को मिलनी चाहिए, लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन कहता है सिलेंडर की कमी नहीं है, सब ठीक है। बड़े बड़े नेता जो जिनसे सवाल पूछे जाते हैं भाजपा के, तो उनका ये कहना है क्या आपको पता था कि ये महामारी आनी है। अरे बाबा, 2020 में तो महामारी ने अपना रंग दिखा दिया था, क्या लगता नहीं था 2020 के आखिर अंत तक ये महामारी थी, और 2021 में आते आते एक विकराल रूप धारण किया। क्या कहेंगे सर, कहाँ कमियां रहीं, कहाँ नाकामियां रहीं? देखिए, सबको मालूम था कि महामारी की दूसरी लहर जो है वो आने वाली है। जब पिछले वर्ष जनवरी 2020 में कोरोना ने दस्तक दी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये पहली वेव है और उसके बाद दूसरी वेव आएगी, और तमाम मुल्कों ने इस संदर्भ में इंतजाम भी किए। बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने नए हॉस्पिटल बनाए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, वेंटिलेटर्स तैयार किए, मेडिसिन तैयार करने में लगे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस वक्त जो है वो ताली और थाली बजाने की बात करते रहे कि हम कोरोना को थाली बजा के भगा देंगे, और अपने सियासी एजेंडा को प्रमोट करने में ये लगे रहे। सारी दुनिया में एक चेतावनी दी गई थी कि दूसरी वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी, और ये कहते हैं कि इनको मालूम ही नहीं था। सबको मालूम था लेकिन बीजेपी को मालूम नहीं था, ये बड़ी हैरानगी की बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस संदर्भ में बार बार चेतावनी दी, लेकिन प्रायोरिटीज़ अलग रही। बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो अपने सियासी एजेंडा को प्रमोट करने में लगे रहे। कभी उनके मंत्री दिल्ली से उठकर बंगाल चले जाते थे, कभी केरला में चले जाते थे, असम में चले जाते थे, तमिलनाडु में घूमते रहे पिछले वर्ष, और पूरा साल ही घूमते रहे कि वहाँ इलेक्शंस हैं और वहाँ हमारी जो है किसी न किसी तरीके से हमारी सरकार जो है वो बननी चाहिए। लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो प्रयास उनको उस वक्त करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए, ना केवल बाकी स्टेटों में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी। आपने देखा होगा कि केंद्र के बहुत सारे मंत्री आकर टोलियां बनाकर यहाँ बैठ गए थे, और पंचायत के इलेक्शन में भी केंद्र के मंत्री देखने को मिले पहली बारी नवंबर और दिसंबर में, जब उनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए था, हॉस्पिटल्स को मजबूत करना चाहिए था, इक्विपमेंट्स लगाना चाहिए था, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने चाहिए थे, आईसीयूज में सुविधाएं बढ़ाने चाहिए थी, उस वक्त वो यहाँ पंचायत चुनाव में लोगों को सुनहरे सपने दिखा रहे थे, बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, और ये बगैर सोचे कि ये जो कोरोना को जो है ये हम बढ़ावा देने ही आए हैं यहाँ, और कोई भी नहीं किया, उन्होंने प्रयास नहीं किया, ना केवल उस वक्त किया ना उसके बाद किया। आज देख लीजिए रश्मि, कि जब
कोरोना जो है वो लगातार बेशकीमती जाने ले रहा है। यहाँ कोरोना हो गया, ब्लैक फंगस आ गया, लेकिन वो जो नेता दिल्ली से आए थे वोट मांगने के लिए केंद्र के, वो आज कहाँ हैं ये हम जानना चाहते हैं। उन्होंने कभी हाल तक यहाँ जानने की कोशिश नहीं की, पूछने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने अपने वोट हासिल किए और उसके बाद वो लापता हो चुके हैं सारे के सारे मंत्री। और आज जम्मू में भी त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन ना होने की वजह से मौतें हो रही हैं, वेंटिलेटर्स ना हो, आईसीयू की फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है। भेदभाव जो जम्मू और कश्मीर में था वो अब जिंदगी और मौत के मामले में भी होने लगा है, कि जम्मू के लोगों की जिंदगी को आप हल्के में ले रहे हैं और यहाँ वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो कश्मीर में दी जा रही हैं। हम तो कहते हैं दोनों की ज़िंदगी जो है वो एक जितनी कीमती है, चाहे वो कश्मीर का रहने वाला हो चाहे वो जम्मू का रहने वाला हो, लेकिन सुविधाएं वहाँ दी जा रही हैं आज की तारीख में भी। ध्यान उधर दिया जा रहा है जी, और ऑक्सीजन प्लांट्स आपने देखा होगा कि अभी डिटेल आई थी कि 46 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, जिसमें से 34 कश्मीर में और मात्र 12 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो जम्मू में हैं। इसी तरीके से वेंटिलेटर डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसी तरीका का भेदभाव है। आईसीयू में जम्मू में 122 बेड्स हैं, जम्मू मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल सारा मिला के, और कश्मीर में 300 से ज़्यादा हैं। अभी हाल ही में जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो टूरिज्म रिलेटेड वर्कर्स के लिए था, 2,94,00,000 रुपया रिलीज हुआ, जिसमें से 2,92,00,000 रुपया जो है वो कश्मीर में गया और मात्र 1,68,000 रुपया जम्मू में आया है, जो भेदभाव की सबसे बड़ी मिसाल है। और ये भेदभाव हो कब रहा है, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और जम्मू में भी बीजेपी जो है अपना प्रॉक्सी रूल चला रही है अपने अधिकारियों के माध्यम से। देखिए, जो सरकार है जिम्मेदारी उसकी बनती है, ये कोई दूसरे अपोजिशन पार्टीज की नहीं बनती है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, निज़ाम उनके हाथ में है, फैसला करने वाले वो लोग हैं जिनको फैसला करना था, वो अपना फैसला किस तरीके से ले रहे हैं ये आपको मैंने बताया है। और किस तरीके से जम्मू की अवहेलना की जा रही है, पूरे तरीके से की जा रही है। अभी 7 जर्मनी से प्लॉट्स जो है इम्पोर्ट किए गए जो ऑक्सीजन जनरेशन के लिए, 7 के 7 प्लांट्स आपने कह दिया कि कश्मीर में चले जाएंगे, जैसे जम्मू में कोई रहता ही नहीं हो। सबसे ज्यादा डेथ्स जम्मू से रिपोर्ट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के लोग मूक दर्शक बने हुए हैं और लोगों को आज की तारीख में भी वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि ये आपका जो रवैया है इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अच्छे तरीके से लोग पहचान चुके हैं, आने वाले वक्त में आपको करारा जवाब देंगे, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यह है कि लोगों की जान जो है वो बचनी चाहिए किसी न किसी तरीके से, और जम्मू के लोगों को भी बराबर की सुविधाएं जो है इस सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। जिंदगी और मौत के मामले में भी जो आप भेदभाव कर रहे हैं जम्मू के साथ, वो हम कभी कतई बर्दाश्त करने के लिए, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पर पैंथर पार्टी क्या योगदान दे रही है इस महामारी के टाइम आम जनता को? देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जो भी हमसे हो पा रहा है, कहीं सैनिटाइजर दे रहे हैं, कहीं मास्क दे रहे हैं, कहीं राशन जो हमारे से हो पाता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कल भी हम जो है वो गाँव में सारा दिन घूमते रहे और वहाँ जाकर लोगों की समस्याओं का जायज़ा भी ले रहे हैं। लोग ना केवल जो है इस वक्त कोरोना से परेशान हैं, जो रोजी रोटी का उनके ऊपर बना हुआ है, भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या जो है बन चुकी है। और गाँव में जाकर हमने ये देखा है कि वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी लोग वंचित हैं। बिजली और पानी की समस्या भी है, बिजली का कट हो जाता है तो कोई टेलीफोन उठाने वाला नहीं है, दफ्तरों के अंदर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कोरोना के नाम पर मुलाजमों ने गाँव के अंदर जाना बंद कर दिया, अफसरों ने जाना बंद कर दिया, लोगों से की बात सुनना बंद कर दिया है। और लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना के अलावा और भी बीमारियां लोगों को होती हैं, कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है, ये दूसरी संगीन बीमारियां हैं, उनको देखने वाला ही कोई नहीं है, उसकी बात सुनने वाला ही कोई नहीं है। अभी एक इन्होंने ऐलान किया है कि हर पंचायत के अंदर 5 बेड का कोविड केयर सेंटर बनेगा और उसके लिए कोई पैसा नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पंचायतें अपनी तरफ जो उनका अपना पैसा है उसमें से 1,00,000 रुपया निकाल के कोविड केयर का सेंटर एस्टैब्लिश करें। मुझे बताइए रश्मि, 1,00,000 रुपए में 5 बेड का कोविड केयर सेंटर बन सकता है? उसमें तो भैंस का तबेला नहीं बनता है, तो आप कैसे बनाएंगे 5 लोगों के रहने के लिए? अरे
जानवरों के लिए भी जगह नहीं बन सकती है। आप तो इंसानों को जो है आप कितनी इज्जत दे रहे हैं, ये आपके इस फैसले से नजर आता है, जहां आप ये कहते हैं पंचायतों को कि अपने फंड में से, वो भी अपने फंड में से 1,00,000 रुपया निकालिए जो पैसे आपके पास है, और 5 बेड का कोविड को केयर सेंटर बनाइए। बहुत अजीब बात है। और कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जनता में त्राही माम मचा हुआ, एक तरफ से आप लोग बड़े बड़े ऐलान करें, रिंग टोन रखी है कि हर कोई टीकाकरण यानी टीका उत्सव में भाग ले, जनता ने लिया भी जो 45 साल के अबव थे, पर अभी भी इनको कुछ दिन पहले डीसी जम्मू ने जो एक नोटिफिकेशन निकाली, एक सर्कुलर निकाला कि 100% 45+ को वैक्सीनेशन होगी, जबकि ग्राउंड जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 100% वैक्सीनेशन नहीं हुई। बात करें हम ग्रामीण क्षेत्रों की, अभी भी लोग 45 से जो ऊपर है ना ही उनकी फर्स्ट डोज लगी है ना ही उनकी सेकेंड डोज लगी है। और बात करें हमारी युवा पीढ़ी को 18+ की, जिस तरह से 1 मई से आह्वान किया गया था, उसके बाद जो 18 से लेकर 44 तक के वो जाकर टीकाकरण कर सकते हैं, ये किस तरह का आह्वान है? आप लोगों ने एक क्राइटेरिया रख दिया, पहले रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद स्लॉट होगे, लोग भी खुश होंगे, युवाओं में भी एक खुशी का माहौल था, उनके माता पिता भी खुश थे, चलिए युवा पीढ़ी तो बच जाएगी, जिस तरह से वेव टू का कहा गया था ये युवा पीढ़ी को ही ग्रस्त करेगी। और दूसरी तरफ से सेंटर खोले गए, और आपको पता है जनता भी जानती किन तरह सेंटर खोले गए और सेंटर का क्या हालात था, वो भी पल पल की खबरें हमने जनता को दी, तो वैक्सीनेशन कहाँ गई सर? सेंटर तो खुले, जब सवाल तो ये है कि रजिस्ट्रेशन हो रही है, स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है, तो वो किनकी स्लॉट बुकिंग हो रही है, किनको इंजेक्शन लग रहे हैं, किनको वैक्सीनेशन लग रही है, वो बड़ा सवाल है। तो आखिर वैक्सीनेशन गई कहाँ? अगर थी नहीं तो सेंटर खोले क्यों, आह्वान किए क्यों, बड़े बड़े क्यों, जनता को असमंजस की स्थिति में लाकर खड़ा किया था? बिल्कुल, ये आपने सवाल का जवाब भी रश्मि खुद ही दे दिया कि जब आपके पास वैक्सीन ही नहीं है तो इतने ढिंडोरे क्यों पीट रहे हो, और वैक्सीन आपने विदेशों में एक्सपोर्ट कर दी, 6.5 करोड़ वैक्सीन डोजेज आपने विदेशों को दे दी, जब आपने घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो आपने शुरू में ही बात कर दी थी, तो ये कौन सी पॉलिसी, किस किस्म की पॉलिसी बनाई जा रही है? कैसे हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं कि घर वाले भूखे बैठे हुए हैं और बाहर जाकर आप जो है वो ढुंढोरा पीट रहे हो कि आप ले लो, ये अपने लोग मरे तो मर जाएं, और फिर आपको सवाल कोई नहीं पूछ सकता है। दिल्ली में लोगों ने सवाल पूछा तो उनके ऊपर FIR लगाने चल पड़े, उन्होंने ये कहा कि हमारी दवाई थी जो हिंदुस्तान की दवाई थी वो हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, तुम्हारे हमारे बच्चों की जान बच सकती थी, आज जो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इसकी वजह से जो इन्फेक्ट हो रहे हैं और यंगर जनरेशन की ज़िंदगी का नुकसान जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और यहाँ जवाबदेही कोई नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, जो सवाल पूछता है उसको कहते हैं जेल में डाल दो, उसके खिलाफ FIR लगा दो, बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है, और जिंदगी और मौत को भी इतने हल्के में आप लोग ले रहे हो, ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इससे बेगैरत सरकार जो है आज तक कभी हमने देखी नहीं है, और इस सरकार में पहली बार ही देखने को मिला है कि जो मरे हुए लोग हैं उनको तो इज्जत देते हैं हमारे समाज में, जो एक पार्थिव शरीर है उसको पूरी इज्जत दी जाती है, हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन यहाँ आपके राज में जो है वो लाशें पानी के बीच में तैरती हुई मिल रही है और कुत्ते उनको घसीट रहे हैं, नोच रहे हैं लाशों को, और फिर आप कहते हैं कि आपको पूछे कोई ना, इतनी बेगैरत, इसलिए मैंने कहा कि कोई सरकार हो। सर आज के दौर में लोग, हमारी जम्मू की जनता की बात करें, लोग अस्पताल में जाने से डरते हैं, एक चीज पर बड़ा जोर दिया हुआ है प्रशासन ने कि कॉफिन जो लकड़ी के जो डिब्बे हैं जिनमें आखिरी अंतिम यात्रा उनकी होती है, वो डिब्बे लगातार बढ़ रहे हैं, यानी उनकी काफ़ी अच्छी तरीके से उनको बनाया जा रहा है, और जो कोविड वार्ड में पेशेंट है ना ही उनको सुविधाएं मिल रही, ना उनके अटेंडेंट को बिल्कुल सुविधाएं मिलती, जब वो पेशेंट ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है तब उनके परिजनों को PPE किट दी जाती है, मास्क दिया जाता है, उससे पहले कोई नहीं। और जब हम BJP के नेताओं से सवाल करते हैं उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता सर, तो सबसे बड़ा बात ये कहना चाहेंगे कि जो लोग इस समय दुनिया छोड़कर जा, जिनके परिजन इस दुनिया से जा चुके कोविड के चलते, और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की नाकामी साथ है सामने नजर आ रही, कौन जवाब देगा उन मौतों का सर? देखिए, बहुत जो स्थिति इस वक्त है बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि सीरियस है, और ऐसे हालात जो है वो आज तक कभी देखने को नहीं मिले हैं इतिहास में। ये दौर जो है ये काले अध्याय के तौर में BJP की हुकूमत का जो है वो दर्ज रहेगा, किस तरीके से लोगों के साथ सलूक किया जाता रहा है, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उनको जीते जी जो फैसिलिटीज़ तो नहीं मिली, मरने के बाद भी नहीं मिल पा रही हैं,
अब आप कह रहे ताबूत बनाए जा रहे हैं, तो वो भी तो एक धंधा है, वो तो एक धंधे की तरह किया जा रहा है कि ताबूत ज़्यादा बने। मुझे याद है कि एक बीजेपी के नेता का अक्सर एक डायलॉग हर बार वो मीडिया के ऊपर, चिंता नहीं करनी, वो कहते चिंता नहीं करनी। चिंता तो नहीं की, लेकिन आज इतनी चिताएं जल रही हैं जिनकी गिनती करना आज मुश्किल हो गई है, और जो क्रिमेशन ग्राउंड्स है वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ लोग लाइन में अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए खड़े हैं कि कब उनका नंबर आएगा। तो ये जो चल रहा है ये बहुत ही पीड़ा देने वाला है, बहुत बहुत पीड़ा देने वाला। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहिए, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हमारा, भले ही कोरोना से मरे ना मरे पर आम जनता भूखमरी से जरूर मरेगी, ये आम जनता का सवाल है जो हम आपसे कर रहे हैं। लॉकडाउन जनता ने माना, आह्वान जो किया लॉकडाउन ने, जनता ने समर्थन भी दिया, पर जनता तक रोटी कौन पहुंचाएगा? जिनकी रोटी सुबह कमाते थे, शाम को अपने परिवार का पेट भरते थे, चाहे उसमें हम ऑटो चालक की बात करें, बस ड्राइवर की बात करें, कंडक्टर की बात करें, रेडी की बात करें, पिट्टू वाले की बात करें, घोड़े वाले की बात करें, कुछ घोषणा तो की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से 1,000 रुपया, पर उन लोगों का ही सवाल जो आपसे कर रहे हैं, 1,000 रुपये में क्या होगा, पूरा महीना चलेगा? सर ये कहते हैं कि लोग 1,000 रुपये में गुजारा करें और प्रधानमंत्री महोदय का सिर्फ जहाज का ही खर्चा 10 करोड़ रुपया सालाना है, जो लोग 12-12 लाख रुपए का सूट पहनते हैं वो लोगों को कहते हैं कि अपने सारे परिवार का खर्चा 1,000 रुपये में कीजिए। ऐसा भी हिंदुस्तान में ही होता है, और उसके बाद भी अंधभगत जो है वो ऐसे नेताओं का गुणगान करते हैं, ये विडंबना है। ठीक कहा लोगों ने कि अगर कोरोना से बच भी गए तो भुखमरी से मर, भुखमरी से मरेंगे, बेरोजगारी से मरेंगे, या फिर महंगाई से मरेंगे। महंगाई देख लीजिए, आज कोरोना के वक्त में लगातार रेट्स में वृद्धि की जा रही है, पेट्रोल पहली बार ही 100 रुपये के लीटर के ऊपर पहुंचा है, बहुत सारी जगहों के ऊपर कभी देखने को नहीं मिला, 55 रुपये का प्रति लीटर पेट्रोल इन नेताओं को महंगा लगता था, आज 100 से ज़्यादा ये लोग बेच रहे हैं, वो भी कोरोना के वक्त में। खाने वाला तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल जो है, वो 200 रुपये के करीब पहुंचा दिया है इन लोगों ने, जो 60 रुपये लीटर था। आज आम जिंदगी की ज़रूरियात की जो वस्तुएं हैं उनके दाम कहाँ पहुंच गए, आसमान के ऊपर। अब इनको नहीं लगता है महंगाई है, कहाँ है वो स्मृति ईरानी जो गले में जो प्याज का हार डाल के बैठती थी, कहाँ है वो बीजेपी के सेंटर के लीडर जो सिलेंडर लेके सड़क के ऊपर बैठ जाते थे कि 400 रुपये का सिलेंडर गरीब की जेब के ऊपर बहुत बड़ा डाका है, आज 900 और 950 रुपये का सिलेंडर आप बेच रहे हैं, और आपको नहीं लगता महंगाई है। तभी मैंने कहा कि इतनी बेगैरत सरकार जो है वो आज तक कभी नहीं देखी। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्षदेव जी का साफ तौर पर कहना, जितनी बेगैरत सरकार आज तक नहीं देखी, और ये हम भी नहीं कहते, जनता कह रही, जनता के आह्वान से भी कहा जा, जहाँ जब वोट बैंक की राजनीति खेलनी थी ये जनता के साथ रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, पर आज जब जनता मर रही है, त्राई माम त्राई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, कहाँ गए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो आए गए वेंटिलेटर थे, कौन उनका ब्यौरा देगा, कौन उनका हिसाब मांगेगा, आखिर क्यों उनको डस्टबिन के डिब्बे की तरह एक साइड पर, काश वो वेंटिलेटर होते, जितने परिजनों ने, जितने परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, काश वो ना होते, कौन जवाब देगा? भाजपा सरकार के नेता क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर क्यों नहीं दिख रहे, जबकि जब राज वोट बैंक की राजनीति करनी होती तो हर गरी हर मोहल्ले में ये लोग दिखेंगे आपको, पर इस समय आपदा की घड़ी में क्या सोचा? लॉकडाउन का आह्वान तो किया, क्या प्रशासन और सरकार ने ये सोचा उन लोगों तक दो वक्त का खाना कैसे पहुंचाया जाए? लोग कोरोना से तो मर रहे हैं पर भुखमरी से कौन बचाएगा उनको, सबसे बड़ा सवाल ये है। बड़े बड़े दावे जनाब, जो लोगों का पेट है ना वो भाषण से नहीं राशन से बढ़ता है, कम से कम उसकी सुविधा तो करिए। लोगों ने आप पर विश्वास किया है, ये वही जनता है जिन्होंने आपको इस समय आला ओहदे और ये कुर्सियाँ प्रदान की है, आने वाले समय में ये जनता ही है जो आपको उन कुर्सियों से उतारना भी भलीभांति जानती है। चलिए देखिए, समय बड़ा बलवान है, हम यही प्रार्थना करते हैं ये महामारी का जो काला बादल है हमारे विश्व से, हमारे देश से, हमारी जम्मू कश्मीर की जनता के सर से हट जाए, तो फिर से होंगी बातें, फिर से होंगे कटाक्ष।
पर सबसे पहला ये काम है इस समय, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, अपनी जनता को बचाना। हम सैल्यूट करते हैं अपनी जनता को, जम्मू की जनता को, सोशल एक्टिविस्ट को, ट्रेडर्स फेडरेशन को, और जो युवा शक्ति है उनको, सिविल सोसाइटी के लोगों को, जिन्होंने नेतागणों को नहीं देखा, उन्होंने अपनी एक इंसानियत की मिसाल दी और आम जनता की मदद कर रहे हैं। हम दिल से सैल्यूट करते हैं उन सबको। और अफसोस होता है ऐसे नेतागणों को, बड़े बड़े भाषण घरों में बैठकर एसी रूम में तो देते हैं, काश आपको उनका दर्द महसूस होता जिन्होंने अपने परिजनों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल सांस तोड़ते देखा है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।